तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं कि आप अपनी YouTube वीडियो को शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप जिस टाइम पर चाहते हैं कि आपकी YouTube वीडियो ऑटोमेटिकली यहां पर जो है वो विजिबल हो जाए या पब्लिक हो जाए, ताकि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो आपकी वीडियो को देख सकें, और हो सकता है उस वक्त आप मौजूद ना रहें या फ्री ना रहें अपनी YouTube वीडियो को पब्लिश करने के लिए। तो ऐसे में आप अपनी YouTube वीडियो को शेड्यूल कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने YouTube चैनल को अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको YT स्टूडियो में अपनी उस वीडियो को ओपन कर लेना है जिस वीडियो को आप यहां पर जो है वो शेड्यूल करना चाहते हैं। अब देखिए, उस वीडियो को ओपन करने के बाद अब नॉर्मली विजिबिलिटी में लोग या तो अनलिस्टेड में अपलोड करते हैं या प्राइवेट में अपलोड करते हैं। तो मैं यहां पर हमेशा अपनी YouTube वीडियो को जो है वो अनलिस्टेड में अपलोड करने के बाद छोड़ देता हूं। उसके बाद सिंपली आपको अनलिस्टेड से हटाकर उसे पब्लिक पर क्लिक कर देना है, और पब्लिक पे क्लिक करने के बाद नीचे शेड्यूल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको शेड्यूल में चले जाना है। अब देखिए, शेड्यूल में जाने के बाद वहां पर आपको डायरेक्टली वहां पर जो है वो आपको डेट देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आपको डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले तो आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है कि किस डेट पर आप अपनी यूट्यूब वीडियो को जो है वो पब्लिश करना चाहते हैं। उसके बाद डेट वाले ऑप्शन के साइड में ही आपको यहाँ पर जो है वो टाइम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब देखिए, जो यहाँ पर AM वाला टाइम है वो सवेरे 12 बजे से पहले का है, और जो PM वाला टाइम है वो सवेरे 12 बजे से बाद का है। तो यदि आप चाहते हैं कि सवेरे 7-8 बजे आपका YouTube वीडियो पब्लिश हो जाए, तो 7 AM या 8 AM वाले जो ऑप्शन है आपको उस पर जाना है। और अगर आप चाहते हैं कि शाम को आपका वीडियो या 12 बजे के बाद आपका वीडियो पब्लिश हो, तो यहाँ पर 1 PM 2 PM 3 PM उन वाले ऑप्शन में चले जाना है। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर डेट और टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नीचे आपको दो तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक होता है सेट एज प्रीमियर, और सेकंड होता है फ्रॉम मेंबर्स ओनली टू पब्लिक। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो जो सेट एज प्रीमियर है, ये अगर आप प्रीमियर में अपनी YouTube वीडियो को डाल देते हैं तो आपकी YouTube वीडियो जो है वो जब भी वो पब्लिश होगी तो वो नॉर्मल वीडियो की तरह ना होकर जिस तरह आप लाइव आते हैं उस तरह आपकी YouTube वीडियो जो है वो सभी लोगों को दिखाई देगी। तो लोग यहाँ पर एक साथ आपकी YouTube वीडियो को एज अ लाइव वीडियो देख पाएंगे, उसके नीचे कमेंट भी कर पाएंगे। और आप अपनी YouTube वीडियो के पब्लिश होने के दौरान यदि अपनी ऑडियंस से बात करना चाहते हैं या वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो भी वहाँ पर वो लाइव चैट के थ्रू कर पाएंगे। और जो सेकेंड ऑप्शन है फ्रॉम मेंबर्स ओनली टू पब्लिक, इसका मतलब यही है कि ये वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको आपके मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगी, जो कि आपके यूट्यूब चैनल के मेंबर हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो वीडियो है वो यहाँ पर पब्लिक होगी। अगर आप सेट एज प्रीमियर करना चाहते हैं तो उस पर टिक कर दें, या फिर आप पहले मेंबर के लिए अपनी वीडियो को पब्लिक करना चाहते हैं तो आप उस पर टिक कर दें। और यदि आप ये दोनों ही नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी आपका टाइम हो उस वक्त आपकी वीडियो सिर्फ पब्लिश हो जाए, तो सिंपली आपको दोनों ही ऑप्शन को छोड़ देना है। और इसके आगे आपको जो डन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली आपको उस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद वीडियो में ऊपर की तरफ जो सेव बटन है उसको दबा देना है। अब इसके बाद दोस्तों, जो भी समय आपने निर्धारित किया होगा अपनी YouTube वीडियो के लिए, उस समय पर आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी और आपके सब्सक्राइबर को देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।